हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीइंग के 14th यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, वो है क्या, आइए समझते हैं। बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है इसके बाद, बाय देन ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस, और अदर सेंटेंस फिर इसके आगे आप जोड़ सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये अधूरा सेंटेंस रहेगा। बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस, जैसे उसके द्वारा पीटे जाने के कारण। ये लगेगा कब? उसके द्वारा पीटे जाने के कारण, हमारे द्वारा समझाए जाने के कारण, उनके द्वारा लेटर लिखे जाने के कारण, तुम्हारे द्वारा कार चलाए जाने के कारण, राम के द्वारा मारे जाने के कारण, अंकित के द्वारा झूठ बोले जाने के कारण, इलेक्ट्रीशियन के द्वारा पंखा सुधारे जाने के कारण, मेरे द्वारा गाना गाए जाने के कारण, है ना। तो तब इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, पहले हम इसको इस्तेमाल करना सीखते हैं, फिर बाद में हम उसको सेंटेंस एडिट कर लेंगे। ठीक है ना, पहले इसको बनाना सीखते हैं, उसके द्वारा पीटे जाने के कारण। तो दोस्तों, अभी हम सिर्फ इतना ही पोर्शन कवर करेंगे ना, सब उसके द्वारा पीटे जाने के कारण। तो क्या बनेगा? बीइंग बिटन बाय हिम, उसके द्वारा पीटे जाने के कारण। बीइंग बिटन बाय हिम, हमारे द्वारा समझाए जाने के कारण। सो बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय अस, हमारे द्वारा समझाए जाने के कारण, उनके द्वारा लेटर लिखे जाने के कारण। सो बीइंग रिटन अ लेटर उनके द्वारा बाय देम, सो बीइंग रिटन अ लेटर बाय देम, तुम्हारे द्वारा कार चलाए जाने के कारण, तुम्हारे द्वारा कार चलाए जाने के कारण। सो बीइंग ड्रिवन अ कार बाय यू, तुम्हारे द्वारा कार चलाए जाने के कारण। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं। राम के द्वारा मारे जाने के कारण, सो बीइंग किल्ड बाय राम या फिर रामा, सो बीइंग किल्ड बाय रामा। अंकित के द्वारा झूठ बोले जाने के कारण, सो बीइंग टोल्ड अ लाई बाय अंकित, अंकित के द्वारा झूठ बोले जाने के कारण। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा पंखा सुधारे जाने के कारण, सो बीइंग रिपेयर्ड अ फैन बाय इलेक्ट्रीशियन, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बाय इलेक्ट्रीशियन। मेरे द्वारा गाना गाए जाने के कारण, बीइंग संग अ सॉन्ग मेरे द्वारा बाय मी, है ना। So being sung a song by me. तो गाइज, मैंने क्या किया यहां पर, ये जो being वाला पोर्शन है ना, पहले इसी को ट्रांसलेट करने की कोशिश की किसका मतलब क्या निकलेगा। तो आप देखेंगे कि यहां जो भी लिखा हुआ है उसको मैंने वहां पर ट्रांसलेट कर दिया है। तो ऐसा ट्रांसलेट करना सीखना है, उसके आगे आप उसके अकॉर्डिंग जो सेंटेंस जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं। आइए कैसे उसको भी समझते हैं। देखिए, उसके द्वारा पीटे जाने के कारण, देखिए उसके द्वारा पीटे जाने के कारण वह रोने लगा। उसके द्वारा पीटे जाने के कारण मतलब किसी ने उसको पीटा, तो उसके द्वारा पीटे जाने के कारण वह रोने लगा। सो बीइंग बिटन बाय हिम, बिटन बाय हिम, अब आगे वाला सेंटेंस, ही बिगेन टू क्राई, वह रोने लगा। सो बीइंग बिटन बाय हिम, उसके द्वारा पीटे जाने के कारण ही बिगेन टू क्राई, वह रोने लगा। मेरे द्वारा गाना गाए जाने के कारण शिक्षक ने मुझे सजा दी, मतलब स्कूल में कोई बच्चे ने क्लास में ही गाना गा दिया तो शिक्षक नाराज हो गया। सो मेरे द्वारा गाना गाए जाने के कारण शिक्षक ने मुझे सजा दी। सो बीइंग संग अ सॉन्ग बाय मी, अब दूसरा सेंटेंस, टीचर पनिश्ड मी, टीचर ने मुझे सजा दी। सो टीचर पनिश्ड मी, राम के द्वारा मारे जाने के कारण लोग रावण को जलाने लगे। सो राम के द्वारा मारे जाने के कारण, सो बीइंग किल्ड बाय रामा पीपल बिगेन टू बर्न रावणा, सो बीइंग किल्ड बाय रामा पीपल बिगेन टू बर्न रावणा, हमारे द्वारा मैसेज भेजे जाने के कारण रोहन बहुत गुस्सा हो गया। सो हमारे द्वारा मैसेज भेजे जाने के कारण, बीइंग सेंट मैसेज बाय अस रोहन, रोहन गॉट टू मच एंग्री, बहुत गुस्सा हो गया। सो रोहन गॉट टू मच एंग्री, आकाश के द्वारा डराए जाने के कारण अंकित बीमार हो गया। अब ये पहले पोर्शन इसको कंप्लीट करो, आकाश के द्वारा डराए जाने के कारण, सो बीइंग
डराए मीन्स हॉरीफाई, सो हॉरीफाइड. अब उसको भूत जैसा कुछ डराया इसलिए हॉरीफाई लिखना पड़ेगा. बींग हॉरीफाइड बाय आकाश, आकाश के द्वारा डराए जाने के कारण बींग हॉरीफाइड बाय आकाश. अंकित, अब दूसरा सेंटेंस, अंकित बीमार हो गया, गॉट इल. अंकित बीमार हो गया, अंकित गॉट इल. सो बींग हॉरीफाइड बाय आकाश, अंकित गॉट इल. तो यहां पर दोस्तों ये जो बींग का आप यूज देख रहे हैं ना, ये किए जाने के कारण इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है. तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि हम बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट केस, जहां अगर बीइंग आ रहा है तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग आप क्या निकालेंगे. उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बीइंग का ये यूज भी आपको बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.